इंदौर नगर निगम ने निरंजनपुर बस्ती के रहवासियों को विस्थापित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहां मल्टी बनाने की योजना बनाई है। निगम की इस योजना के खिलाफ रहवासी लंबे समय से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के भाजपा विधायक रमेश मेंडोला भी अब रहवासियों के समर्थन में उतर आए हैं। रहवासी के साथ विधायक रमेश मेंडोला मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से चर्चा कर निरंजनपुर के लोगों को विस्थापित कर वहां मल्टी बनाए जाने का विरोध किया। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक रमेश मंडोला ने कहा कि निरंजनपुर बस्ती में लगभग 500 परिवार में 5000 से अधिक लोग निवास करते हैं। ये लोग बीते 30 सालों से अधिक समय से वहां रह रहे हैं। कई लोगों ने बैंक से लोन लेकर क्षेत्र में पक्के मकान बनाए हैं। सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज सहित सभी सुविधा क्षेत्र में मौजूद है। ऐसे में लोगों को विस्थापित करने के बजाय नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मल्टी प्रोजेक्ट किसी अन्य क्षेत्र में बनाना चाहिए। निरंजनपुर क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। कलेक्टर लोकेश जाटव ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। मुख्य विषय हमारा ये है कि जो हमारी बस्ती को हटा रहे हैं, मल्टी में जो मकान दे रहे हैं, हम वो लेना नहीं चाहते हैं। हम जहाँ पर रहते हैं हमें वहीं स्थायी किया जाए, वहाँ पर हमारी रजिस्ट्री कर दी जाए। इसी मांग को लेकर के हम कलेक्टर साहब से आज मुलाकात करने आए। ये कहाँ का मामला है? ये निरंजनपुर नई बस्ती देवासना का स्कीम नंबर 114 का मामला। कितने रहवासी बस्ती में? कम से कम 1500 लोग परिवार रहते हैं। परिवार में घर है? 1500 परिवार रहते हैं। 5000 से ऊपर व्यक्ति हैं। हाल फिलहाल ये हुई कि हमारी बस्ती के अंदर लोगों को हटाने के लिए जो लिस्ट लगाई गई, उसके कारण हम लोगों को यहाँ आना पड़ा साहब के पास में। आप लोगों को हटाने का कारण क्या बताया जाए? कारण यही बताते हैं कि स्मार्ट सिटी बन रही है, तो बोले आप लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। स्मार्ट सिटी बन रही, तो स्मार्ट सिटी में हमारे यहाँ पे सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। पक्की सड़कें बनी हुई है, ड्रेनेज लाइन डली हुई है, पानी की व्यवस्था है, बिजली लगी हुई है, सब घर घर पे कनेक्शन है। तो सब बात की सुविधा होने के बाद भी अगर हमको हटाए तो ऐसे ऐसे उसको कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ आना पड़ा। देखिए, आज हमने कलेक्टर साहब को जो निरंजनपुर बस्ती हटाने का नगर निगम ने नोटिस जारी की है, जो लिस्ट लगाई है, वो वहाँ पर मल्टी बनाना चाहते हैं नगर निगम, और मल्टी बना के उनको वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये वहाँ पर इनका सभी का यहाँ 35-40 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई उस वहाँ पर लगाई, अपने जो मकान बना है वो सब के मकान बने। किसी ने 5 लाख 10-10 लाख रुपए बैंक से लोन लेके अपने मकान बनाए, तो 35-40 साल हो गए इनको रहते रहते। वहाँ सारी सुविधाएँ, पक्के मकान हैं सभी के, यहाँ पक्की सड़क है, ड्रेनेज है, अपने बिजली है, नल है, पानी है, सारी मतलब इतनी अच्छी बस्ती है, कॉलोनी है वो, कि मैं नहीं समझता कि उसको कोई हटाने की ज़रूरत हो। 35-40 साल से वहाँ बसे हैं, पर एक प्रोजेक्ट उनको पूरा करना है, कहीं भी पूरा करना है, इसलिए किसी भी बस्ती को हटाओ ये ठीक नहीं। ऐसी बस्ती हटाना चाहिए जहाँ कोई तक, और वहाँ ना कोई यातायात की समस्या है, ना कोई किसी कोई बात की किसी बात की प्रॉब्लम है कि वहाँ हटा के अपन कहीं बच रहे। तो एक व्यवस्थित बस्ती है और वहाँ लोग 35-40 साल से रह रहे हैं, और वहाँ पे 90% लोग अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। पूरे उनका परिवार, जेंट्स, लेडीज, बच्चे सब कमाते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। बैंकों से लोन भी उन्होंने दिया, लोन के माध्यम से अपने पक्के मकान बनाए। इतनी अच्छी व्यवस्थित कॉलोनी, उसके बाद नगर निगम उनको हटाना चाहता है। और सब लोगों ने, सब वहाँ के रहवासी करीब 1500 परिवार, मतलब 1500 मकान होंगे वहाँ। उसको बस्ती की आबादी 7-8 हज़ार बस्ती की आबादी है, तो इतनी बड़ी बस्ती को एकदम हटाना और उनके मकान तोड़ देना, तो जिनके 2-2 मंजिला भी मकान है, कहीं मकान 2-2 मंजिला हैं, 3-3 मंजिला मकान हैं, तो इससे अच्छी बस्ती को तोड़ना, ये इनके साथ लोगों के साथ अन्याय है। कलेक्टर साहब से आज न्याय मांगने आए थे यहाँ के लोग कि उनको न्याय मिलना चाहिए, और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उसका परीक्षण कराएंगे और उसमें जो होगा, हम जनता के हित में जो भी निर्णय होगा।